राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 का मतदान हो चुका है। मतों की गणना 3 दिसंबर को होनी है। मतगणना से पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां पूर्ण बहुमत पाने का लगातार दावा कर रही हैं, लेकिन हकीकत में दोनों ही दल डरे हुए हैं। इसकी अपनी वजहें हैं। बागी और अन्य दलों के प्रत्याशी बीजेपी के करीब 30 बागी चुनाव मैदान में, जबकि कांग्रेस के 24 बागी चुनाव मैदान में डटे हुए थे। पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने बागियों को खूब मनाने का प्रयास किया। अधिकतर बागी टस से मस नहीं हुए। इसका नतीजा ये रहा कि 50 से ज्यादा सीटों पर बागियों ने त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी ने तो गठबंधन करके चुनाव लड़ा। RLP ने 86 तो आजाद समाज पार्टी ने 50 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे। इस गठबंधन से 136 सीटों पर चुनावी मुकाबला बेहद रोचक बन गया है। बेनीवाल और रावण ने मिलकर के प्रदेश की 50 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर ताबड़तोड़ रैलियां की और पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जमकर प्रचार किया। इसके अलावा कांग्रेस और बीजेपी के तरफ से भी स्टार नेताओं को चुनावी रण में उतारा गया और स्टार नेताओं ने जमकर कैंपेनिंग की। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से कैंपेनिंग की गई, क्या चुनाव परिणाम उसी के मुताबिक आते हैं। लगभग एक दर्जन सीटों पर हुई चुनावी सभा में भारी भीड़ भी जुट रही। इस भीड़ ने बीजेपी और कांग्रेस को जीत के समीकरण को बिगाड़ करके रख दिया है। शेखावटी की 3 सीटों पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सभाओं में भारी भीड़ जुटी। भीड़ ने CPM के प्रत्याशियों की जीत के द्वार खोल दिए। इसी तरह आदिवासी बाहुल्य इलाकों में भारतीय ट्राइबल पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी ने भी दमदार उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। इन इलाकों में आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर BTP और BAP ने कांग्रेस बीजेपी की राह में रोड़ा अटका दिया है। करीब एक दर्जन सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी मजबूत स्थिति में हैं। पूरे राजस्थान की बात करें तो प्रदेश में 80 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पर त्रिकोणी और चतुष्कोणी मुकाबले के आसार हैं। ये चर्चा चाय की थड़ियों से लेकर के गली मोहल्ले में भी है। वहीं राजनीति के जानकारों का मानना है कि गहलोत सरकार के तरफ से चलाई गई योजनाओं से काफी आम जनता प्रभावित हुई है और इसके साथ ही बीजेपी की कमजोर लीडरशिप भी थी, जिसकी बदौलत इस बार राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता वापसी होने की उम्मीद ज्यादा दिखाई दे रही है और इसी बात का अनुमान भी लगाया जा रहा है। हालांकि इस दलील के पीछे कई और कारण भी हैं। इस बार गहलोत सरकार को सरकारी कर्मचारियों का भी साथ मिला है और सरकारी कर्मचारियों ने एकमुश्त वोट गहलोत सरकार को दिया है, क्योंकि गहलोत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का तोहफा दिया है। तो बदले में इस बार सरकारी कर्मचारी वोट दे रहे हैं गहलोत सरकार को, इसलिए कांग्रेस को कर्मचारियों के जमकर वोट मिले हैं। लेकिन फिर भी राजस्थान में बीजेपी ने कई सारी रणनीति बना रखी थी, जिसके नाते से बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि बीजेपी ने राजस्थान में सियासी माहौल बनाने के लिए काफी प्रयास किया है और काफी हद तक उसमें सफलता भी मिली है। और इसी के नाते से अब राजस्थान के रण में दोनों ही दलों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान की जनता ने अपना मत किसको दिया है और किसकी सरकार बनाएगी इस बार राजस्थान की जनता। वही राजनीति के जानकारों का मानना है कि इस बार राजस्थान का चुनाव बाकी चुनाव से काफी अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर जनता कई मुद्दों पर ध्यान दे रही। इसके अलावा इस बार छोटे दलों से लेकर के गठबंधन वाली सीटों पर भी काफी ज्यादा मुकाबला कड़ा देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर भी ज्यादा चुनौती दोनों ही राजनीतिक दलों को देखने को मिलेगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।